भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है पूरे 34 सालों बाद। इतना बड़ा बदलाव इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इससे पहले 1986 में आया था। यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। ये बदलाव एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। वहीं इसके साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर भी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो आइए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अब तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम 10+2 के फॉर्मेट में चलता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसे 5+3+3+4 के पैटर्न में डिवाइड कर दिया गया है। यानी पहले 5 सालों की एजुकेशन अब फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें की बच्चों का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, जिसका करिकुलम एनसीईआरटी डिसाइड करेगी। इन 5 सालों में प्री प्राइमरी के 3 साल और बचे हुए 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास को इंक्लूड किया गया है। इन 5 सालों में बच्चों पे बुक्स का बर्डन भी कम किया जाएगा, वहीं स्पोर्ट्स भी कंपलसरी किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अब जो भी छोटे बच्चे स्कूल्स में जाएंगे वो बहुत ही लकी होंगे इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के। अब बात करते हैं स्टेज 2 यानी अगले 3 सालों के लिए। अगले 3 सालों में स्टूडेंट्स जो की 3rd, 4th, 5th में है उन्हें इंक्लूड किया गया है। इन सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। वहीं इन सभी स्टूडेंट्स को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेज 3 यानी अगले 3 सालों की। इस स्टेज में स्टूडेंट्स जो कि 6th, 7th, 8th क्लास में होंगे उन्हें इंक्लूड किया गया है। इन सभी स्टूडेंट्स को मिडिल स्टेज में पढ़ाया जाएगा। इन सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस लिमिटेड भी होगा। अब बात करते हैं स्टेज 4 यानी लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज में स्टूडेंट्स जो कि 9th, 10th, 11th और 12th में है उन्हें इंक्लूड किया गया है। इन सभी स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा। इसके साथ ही इन सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर में बड़े टारगेट्स करने के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। अब स्कूल्स में स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम भी नहीं होगा, यानी 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लेते हैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसे बायोलॉजी पढ़नी है, या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि वो उसे हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स पढ़ना चाहता है, तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके लिए डिफरेंट पूल्स क्रिएट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना पूल चूज करना होगा। इसके साथ ही 5th क्लास तक की पढ़ाई अब रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में हो सकती है, यानी अब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स अब तक कॉलेज में जाके या फिर प्लेसमेंट्स के टाइम पे कोडिंग सीखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब 6th क्लास से ही कोडिंग सीख सकते हैं, वहीं इसके साथ ही वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं 6th क्लास से ही। वहीं अब 9th to 12th क्लास की पढ़ाई सेमेस्टर्स में होगी, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, हर 6 महीने में एग्जाम होंगे। दोनों सेमेस्टर के मार्क्स के एवरेज लेके उनके मार्क्सशीट प्रिपेयर की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम का लेवल भी इजी किया जाएगा। जैसा कि अब तक होता आया था, स्कूल्स में बच्चों को रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब से उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जोर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब बोर्ड एग्जाम अपनी मनपसंद भाषा में दे पाएंगे, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी। आइए अब देखते हैं कॉलेज एजुकेशन के पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं। स्टूडेंट्स अब कॉमन एडमिशन टेस्ट दे पाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कैट एग्जाम का पर्पस ये है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 12th में कम मार्क्स आए हैं और उसे अपना मनपसंद कॉलेज ना मिल रहा हो, तो फिर वो कैट एग्जाम का स्कोर और 12th क्लास के मार्क्स को कंबाइन करके अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब तक अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता था तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या फिर कोई सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे एक डिप्लोमा दिया जाएगा। वहीं 3 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे बैचलर की डिग्री दी जाएगी। वहीं 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट और डिग्री दी जाएगी। इसे मल्टी एंट्री या मल्टी एक्सेस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब चाहे एंट्री लेके पढ़ सकता है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाए तो वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ सकता है। जैसे कि स्कूल्स में 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे, सेम उसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स भी एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वहीं टॉप 100 फ्रंट कॉलेजेस को परमिशन दी जाएगी अपने कैंपस इंडिया में खोलने के लिए। इसके साथ ही सभी कॉलेजेस में आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर को कंपलसरी किया जाएगा। वहीं संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल्स और कॉलेजेस में। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से लागू होगी, यानी 2021 से। मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह ही बदल कर रख देगा, और इसकी हमारे देश को नीड भी थी। अब आप क्या राय है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें कमेंट में बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।